बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, अगेन एक इंस्टेंट रेसिपी है। हम 10 मिनट के अंदर झटपट तरीके से जलेबी बनाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उन पर एक नज़र डालते हैं। ऑल पर्पज फ्लोर यानी मैदा हम लेंगे तकरीबन 1 कप। अगर आपको क्वान्टिटी के हिसाब से बताऊँ तो ये 100 ग्राम्स होंगे। 4 टेबल स्पून हम लेंगे दही, जो कि खट्टा होना चाहिए। खट्टा दही लेने की एक वजह ये भी है कि जो हम मार्केट से जलेबी लाते हैं उसमें जो हल्का सा खट्टापन होता है वो हमें इसी से ही हासिल होगा। इसके साथ ही हम लेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। जलेबी की चाशनी बनाने के लिए हमें शुगर चाहिए होंगे 2 कप्स। 2 कप हम लेंगे चीनी। ये कप हम वही मैयर करेंगे जिस कप से हमने मैदा लिया होगा। 1 कप हम लेंगे पानी। चाशनी बनाने के लिए जो चीनी और पानी की रेशियो होगी वो 2:1 होगी, यानी 2 हिस्से हम चीनी लेंगे और 1 हिस्सा हम पानी का लेंगे। और फूड कलर हम यूज़ करेंगे, ऑरेंज कलर का ले सकते हैं आप, येलो कलर का ले सकते हैं, और ये हम लेंगे तकरीबन 2 चुटकी। सबसे पहले हम एक बोल में जो हमने मैदा लिया है उसे छान लेते हैं। मैदे में शामिल कर लेते हैं दही, साथ ही हम बेकिंग पाउडर भी शामिल कर लेंगे। मिक्स कर लेते हैं इन चीज़ों को अच्छे से। अब हम घोल तैयार करने के लिए पानी शामिल करेंगे, लेकिन पानी हमने बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शामिल करना है ताकि हमारा घोल ढीला या हल्का ना हो जाए। थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। हमने घोल को अच्छे से तैयार करना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहे। कंसिस्टेंसी मैं आपको शो करूंगी कि हमने कैसी रखनी है। इसके अलावा एक और टिप आपको दे दी जाऊं, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या इनो का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इनो का 1 साशे आप इसमें डाल के सेम रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं जो हमें बेकिंग पाउडर के साथ हासिल होगा। हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम लम्स इसमें से ख़त्म हो जाएं। कंसिस्टेंसी बस ये वाली ही हमें चाहिए होगी, आप देखें कि तार टूटने ना पाए, बस इतना। अगर आपको लगे कि घोल जो है वो थोड़ा पतला हो गया है तो आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैदा उसमें डाल दें ताकि घोल जो है वो अपनी असली कंसिस्टेंसी में आ जाए। जी व्यूअर्स, कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा पतला घोल हमने तैयार नहीं करना। जी व्यूअर्स, अब आता है नेक्स्ट स्टेप कि अब हम जलेबी बनाएंगे कैसे। जलेबी बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। आप किसी बैग में, जो हमारे पास आमतौर पे नॉर्मली बैग्स होते हैं या कोन्स होती हैं, कॉनिकल जो बैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप लॉक बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें आप ये वाला बैटर डालें और उसके बाद एक कॉर्नर से छोटा सा कट लगा दें जितनी मोटी आपको जलेबी चाहिए होगी। ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर वो क्रिस्पी नहीं बनती है, सॉफ्ट बनती है। और तीसरा जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको बाज़ार में आराम से जो सॉस की बॉटल्स होती हैं मिलती हैं, जो बहुत ही मयारी सी कीमत में होती हैं, 20 या 30 रुपए तक मिल जाती हैं वो बॉटल, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मैं यहाँ पर जो बॉटल है सॉस की उसका इस्तेमाल कर रही हूँ जलेबी बनाने के लिए। ये बॉटल आराम से आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। इसमें हम बैटर डालते हैं। या इसके अलावा मैं आपको जो बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है वो कैसे किया जा सकता है वो भी दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ऐसे किसी बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हम बैटर पोर करेंगे और फिर यहाँ से कट लगा देंगे जो हमारी रिक्वायर्ड जितना हमें विड्थ चाहिए जलेबी के लिए। एक तरीका ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास केक बैग्स होते हैं आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, आइए अब जलेबी के लिए जो चाशनी होती है वो हम तैयार कर लेते हैं।
उसके लिए सबसे पहले हम एक सॉस पैन में पानी लेंगे एक कप और उसमें दो कप चीनी शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे हम, चीनी को मिक्स करेंगे। साथ ही हमने जो फूड कलर रखा हुआ था वो भी शामिल कर लेंगे। अगर आपको लगे कि फूड कलर की क्वांटिटी थोड़ी कम है तो आप इसमें मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, बस अब हमने पानी में बॉयल का इंतज़ार करना है। जी व्यूअर्स, पानी में बॉयल आ चुका है, बस हमने अब इस चाशनी को मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाना है। हमने इस चाशनी को 2 तार 3 तार ऐसा कुछ भी मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस चीनी मिक्स होने के बाद हमने इसे बॉयल करना है 2 से 3 मिनट तक और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, 3 मिनट तक हमने इसमें मुकम्मल बॉयल आने दिया है, बस अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। चलते हैं जलेबियाँ बनाने की तरफ। जलेबी फ्राई करने के लिए हमने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को हमने अच्छे से गर्म करना है। ध्यान रहे, घी अगर हल्का गर्म होगा तो जलेबी ख़राब हो जाएगी, और बहुत तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए। हमने एक ख़ास हद तक घी को गर्म करना है। जी व्यूअर्स, घी हमारा गर्म हो चुका है, अब जलेबी बनाते हैं। ख्याल रहे, ऑयल हमने ना ज़्यादा गर्म रखना है और ना ज़्यादा ठंडा। थोड़ी देर में जलेबियाँ फूल के ऊपर आ जाएंगी। हमने इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इन्हें लाइट सा ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन सा कलर इन्हें देना है। और उठा के जो हमारा शीरा होगा जो कि नीम गर्म होगा उसमें डाल देना है 5 सेकेंड के लिए, और फिर वहाँ से निकाल लेनी है। जी व्यूअर्स, हमने इन्हें लाइट सा ब्राउन करना है अभी। व्यूअर्स, हमने जलेबियों को ज़्यादा शोक कलर नहीं देना, बस हमने इनको हार्ड होने तक, सख्त होने तक, क्रिस्पी होने तक बस फ्राई करना है। उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम इन्हें शिफ्ट कर लेंगे अपनी चाशनी के अंदर। ख्याल रहे, हमने गरम गरम जलेबियाँ ऑयल से निकालते ही चाशनी के अंदर गरम गरम जलेबी हम चाशनी के अंदर शिफ्ट कर लेंगे, और हार्डली 5 से 10 सेकेंड के लिए हम इसे चाशनी में रहने देंगे। आप देखेंगे कि चाशनी कैसे एब्जॉर्ब करेगी जलेबी और कैसे कलर ले लेगी जो हमने चाशनी के अंदर फूड कलर डाला था वो वाला। ये देखिए व्यूअर्स, जलेबी ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। आप देख सकते हैं कलर ले लिया है चाशनी का जलेबी ने। बस अब हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे और सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। जी व्यूअर्स, जलेबियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, मैंने सर्व कर चुकी हूँ। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे चांदी के वर्क के साथ। होप यू विल लाइक आवर रेसिपी। इफ सो देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक्स।